हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम अगेन। डियर फ्रेंड्स, फिगर्स ऑफ स्पीच के सीरीज में आज हम लोग एक बहुत ही फेमस और इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है एलगरी और इसका स्पेलिंग है ALLEGORY, एलगरी। इसे हिंदी में हम लोग इस प्रकार परिभाषित करेंगे, प्रतीक कथा, प्रतीक चित्र, सत्य, प्रेम, धैर्य आदि सजीव पात्र के रूप में आते हैं या चित्रित होते हैं एलगरी के अंतर्गत। अब इसका इंग्लिश डेफिनेशन हम लोग देखते हैं, एन एलगरी इज अ पीस ऑफ सस्टेंड पर्सोनिफिकेशन। ये पॉइंट है, पॉइंट टू बी नोटेड। एन एलगरी इज अ पीस ऑफ सस्टेंड पर्सोनिफिकेशन, इट इज अ नैरेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सब्जेक्ट अंडर द गाइड ऑफ अनदर सजेस्टिवली सिमिलर, often moral qualities or personified abstractions are the agents in such a story and the incidents imply a moral significance। अब हम लोग इसे समझेंगे कि एलगरी जो होता है वो एक पीस ऑफ सस्टेंड पर्सोनिफिकेशन है, यानी कि एलगरी में हम लोग पर्सोनिफिकेशन को सस्टेंड कर देते हैं, किसी पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट या आइडिया को हम लोग इसको सस्टेंड कर देते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पर्सोनिफिकेशन क्या होता है। मैंने पर्सोनिफिकेशन पर वीडियो बनाया है, आप उसे देख सकते हैं। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है कि इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच इन एनिमेट और एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स एंड आइडियाज आर ट्रीटेड एज इफ दे वर ह्यूमन पर्संस। जब हम लोग एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स या आइडिया या ऑब्जेक्ट को ह्यूमन क्वालिटी देते हैं, उसे इंसानों की तरह ट्रीट करते हैं, तो वह पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, डेथ लेज हिज आईसी हैंड्स ऑन बोथ किंग्स एंड बेकर्स। मृत्यु जो है अपना ठंडा हाथ रखती है, तो मृत्यु जो है वो इंसान नहीं है जो किसी के सर पे हाथ रखेगी, तो यहाँ मृत्यु को पर्सोनिफाइड कर दिया गया, डेथ को। लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, तो प्यार को यहाँ पे पर्सोनिफाइड कर दिया गया, अंधा इंसान होता है, प्यार नहीं होता है। तो इस प्रकार हम लोग इनएनिमेट या एब्स्ट्रैक्ट थिंग को जब पर्सोनिफाइड करते हैं और वो पर्सोनिफिकेशन जो है सस्टेंड होता है, कंटिन्यू होता है, तो उसे हम लोग एलगरी कहते हैं। एलगरी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि समाज में सुधार लाना, नैतिक शिक्षा देना, मोरल लेसन देना, इसका यही उद्देश्य होता है। इसलिए यहाँ लिखा गया, ऑफन मोरल क्वालिटीज और पर्सोनिफाइड एब्स्ट्रैक्शंस आर द एजेंट्स इन सच अ स्टोरी एंड द इंसिडेंट्स इंप्लाई अ मोरल सिग्निफिकेंस। किसी कहानी में हम लोगों को जब मोरल शिक्षा की बातें बताई जाती हैं तो वो एलगरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग देखते हैं स्पेंसर्स फेरी क्वीन, एडमंड स्पेंसर का मास्टरपीस है फेरी क्वीन। तो फेरी क्वीन में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनमें रेड क्रॉस नाइट हैं, और रेड क्रॉस नाइट जो है वो होलीनेस को प्रेजेंट करते हैं, पवित्रता को दिखाते हैं। ऊना जो है वो ट्रूथ को रिप्रेजेंट करती है, और उसका जो सेटिंग है वो फेरीलैंड जो हम लोग देखते हैं वो रियल वर्ल्ड को दिखाता है। तो इस प्रकार वहां पे पर्सोनिफाइड किया गया है और वो पर्सोनिफिकेशन जो है कंटिन्यू रहता है, सस्टेन रहता है, तो एलगरी है। इससे हमें नैतिक शिक्षा की बातें मिलती है। बहुत सारे हम लोग एलगरिकल फॉर्म में एलगरिकल स्टोरी देखते हैं बाइबल में, जहां बाइबल से हमें शिक्षा मिलती है, मोरल की बातें मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम बता दें कि ईश्वर ही प्रेम है और प्रेम ही ईश्वर है, सत्य की हमेशा जीत होती है, असत्य की हार होती है, दूसरों पर दया करने से परमेश्वर प्राप्त होते हैं, परमेश्वर की प्राप्ति होती है, परमेश्वर की दुआएं मिलती है। तो इस प्रकार के बहुत सारे आपको लेसन्स मिलेंगे जो एलगराइज फॉर्म में होते हैं। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा कि एलगरी को सामान्यतः दो भागों में बांटा जाता है। देर आर टू टाइप्स ऑफ एलगरी, फेबल एंड पैराबल। फर्स्ट होता है फेबल और सेकंड होता है पैराबल। अब हम लोग इसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फ्रेंड्स। तब तक के लिए धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।